नमस्कार, मैं सिद्दीकी अलमास ग्राउंड रिपोर्ट से हाजिर हूँ आपके सामने खबरों के साथ। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। मुंबई में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,000 से अधिक आने की वजह से जो लॉकडाउन लगाने की आशंका बढ़ी है उसे लेकर मुंबई महानगर पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने अब सफाई दे दी है। उन्होंने कहा है कि मुंबई में फिलहाल लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है। देश भर में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 40,000 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 20,000 से अधिक कोरोना केस तो अकेले मुंबई में ही आ गए हैं। कुछ दिनों पहले मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर और बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जिस दिन से मुंबई में हर रोज 20,000 से अधिक केस सामने आने लगेंगे उसी दिन से तुरंत मुंबई में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। ऐसे में लोगों के मन में ये आशंका पड़ गई है कि मुंबई में लॉकडाउन अब लगभग तय है। इसी डर की वजह से एक बार फिर मुंबई से प्रवासी मजदूरों ने अपने गाँव की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। इस बीच मुंबई के कुर्ला लोकमान्य तिलक टर्मिनस का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन के डर से बड़ी संख्या में प्रवास मजदूर अपने गांव जाने के लिए कुर्ला टर्मिनस पर जमा हो रहे हैं। इसी तरह की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IGR।